तो ये गाइस मायसेल्फ रवि, और आज भी रात को बाहर आया है बिकॉज अभी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ रोनिन के ऊपर, उसको रात में बाहर आना बहुत ज़रूरी था। दिन में तो बना नहीं सकता था बिकॉज दिखता नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको सबसे बढ़िया चीज़ जो हम बना सकते हैं। तो रोनिन में क्या है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी हम ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो दिखाने के लिए मैं बाहर आया हूँ अभी, और रात के बज रहे हैं 11। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, और उसके बाद चलते हैं फिर घर पर वापस। तो आप देखना और सीखना कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी हैज़ार्ड लाइट्स ऑन कर लिए ताकि कोई मुझे ठोक के ना चला जाए। तो अभी देखो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, पहले मैं इसको ट्रिप बी पे डाल देता हूँ, ट्रिप बी पे डाल देता हूँ ताकि जो भी डिटेल्स है मेरी वो ख़राब ना हो। तो ट्रिप बी पे डालने के बाद अपन इसके मोड को दबाएंगे ना, तो देखो अभी जो टाइम वो ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद आई विल सी करके एक ऑप्शन आता है, इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। जब आई विल सी आ जाएगा उसके बाद आपको प्रेस करना है सेट को। सेट को प्रेस करने के बाद अब देखो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो ये डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ना वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप फिर से मोड वाले बटन को दबाओगे ना, देखो 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। अभी देखो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ब्राइटनेस। तो देखो ये है इसका बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। देखो मैं एक ही जगह रख रहा हूँ और देखो ब्राइटनेस बढ़ और कम हो रही है, ठीक है। ये सबसे कम 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो 100 मैक्सिमम होती है, बट मैं इसको यूजुअली 60 पे रखता हूँ। मेरे लिए 60 मेरे लिए आँखों के लिए ठीक रहती है। हो गई गाड़ी, ठीक है। तो 60 मेरी आँखों के लिए बहुत सही रहती है, मुझे कंफर्टेबल फील होता है रात को भी। तो हम इसको सेट कर देते हैं और ये डन। तो ये था ब्राइटनेस का वीडियो कि इसकी ब्राइटनेस कैसे सेट कर सकते हैं हम। तो वीडियो कैसा लगा और ये फीचर आपको पता था या नहीं पता था, ज़रूर बताना कमेंट्स में। और ये देखो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और 1845 किलोमीटर चला दी भाई गाड़ी, आपने कितनी चलाई है मेंशन करना कमेंट्स के अंदर। चलो गाइस मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। तो ये था कुछ डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।